बहुत शुक्रिया शहरयार, आपने सबके सामने मेरा मान रखा। यमनी ने इसके पास बैठते हुए ममनू लहजे में कहा, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी है। मैं काफी देर से कुछ सोच रही थी। वो क्या? शहरयार ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। आप वो कंपनी ज्वाइन करें मगर इसमें रूल्स मेरे बताए गए होंगे। जी मैडम जी, बताइए क्या रूल्स हैं आपके? इस कंपनी में सारा मेल स्टाफ होगा, एक भी लेडी वर्कर नहीं होगी। भला ये कैसा रूल है? वो अबरू उचकाकर पूछने लगा। यही तो सबसे काम का रूल है, ना ऑफिस में कोई लड़की होगी ना वो मेरे हैंडसम से हस्बैंड को ताड़ेंगी। हाँ, इसकी बात पर शहरयार ने कहका लगाया। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वो खफगी से मुंह फैलाकर बोली, आपको अपने हस्बैंड पर एतबार नहीं? कसम ले ले इन आंखों को सिर्फ आपको देखने की सिवा किसी की चाह नहीं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मगर बाकी लड़कियों पर नहीं। कहीं आपको देखकर फिदा होगी तो मैं तो गई ना काम से। अरे आप काम से क्यों गई, अभी तो आपको बहुत से काम करने हैं। वो क्या भला? वो चंबे से बोली, अभी तो आपको इस घर को बच्चों से भरना है। मैंने कोई ट्यूशन सेंटर खोलना है जो घर में बच्चे भर जाएंगे। बेवकूफ, मैं हम दोनों के बच्चों की बात कर रहा हूँ, फजूल बातें मत किया करें। वो इसकी बात समझ में आते ही इसके सीने पर मुक्का बरसाकर मसनूई नाराजगी से बोली, वाओ जरियार भाई, ये आप हैं? व्हाट अ फैंटास्टिक चेंज। जमारे जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा था, जरियार को मामूल से हटकर आज जींस और शर्ट में मलबूस देखा तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात लिए कहा, थैंक्स मारे। वो इसके शाने पर हाथ रखकर बोलते हुए अपनी जगह पर बैठा, कहीं ये चेंज भाभी को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं? इसने जरियार को छेड़ा, जमारे अब तो शादीशुदा हो चुके हो, संजीदा हो जाओ। खान साहब ने इसे घूर कर कहा, सब यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं सबको कुछ बताना चाहता हूँ। उनकी बात पर सबने चौंक कर खान साहब की तरफ देखा कि न जाने वो क्या बात करने वाले। जमारे और जरियार के निकाह के वक्त मैं होश में नहीं था और जीगन का निकाह भी जिस तरह हुआ वैसा मैं नहीं चाहता था। अपने बच्चों की खुशियां देख नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा है कि हवेली में रिसेप्शन की एक तकरीब रख ले। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। जमारे ने फिर से बात में टांग अड़ाई, तुमसे दो मिनट भी मुंह बंद क्यों नहीं रखा जाता? क्यों नई नवेली दुल्हन के सामने मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? उन्होंने इसे घूर कर कहा, जाओ सब अपनी अपनी बीवियों को अच्छी सी शॉपिंग कराओ, इनकी पसंद की कल रिसेप्शन है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई सवाय जुनाश और जीगन के। ढेरों ढेर शॉपिंग करवाने के बाद जरियार इसे एक आला तरीन होटल में ले आया जहाँ इसने पूरा सीटिंग एरिया बुक करवा रखा था। बरीरा इसके साथ अंदर दाखिल हुई तो वहाँ की कुदरती फूलों और बैलून्स की गई सजावट देखकर दंग रह गई। वहाँ जगह जगह पर जरियार लफ्ज़ बरीरा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा गया था। वो इसका हाथ पकड़कर टेबल तक लाया जिस पर सफेद रंग की रेशमी चादर बिछाकर इसे गुलाब की पत्तियों से सजाया गया था। अतराफ में कैंडल्स लगाई गई थी, दरमियान में चॉकलेट फ्लेवर केक था, इस पर भी वाजिया तौर पर जरियार लफ्ज़ बरीरा लिखा गया था। इसने चेयर खसकाई और बरीरा को इस पर बैठने का इशारा किया। वो इस पर बैठ गई तो वो भी सामने वाली सीट पर आकर बैठा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कैंडल्स की मध्यम रोशनी पर रोमांटिक माहौल, बरीरा का दिल धड़क गया। सब कितना हसीन हो गया था एकदम से, इतना हसीन कि कभी इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसके एक हाँ करने की देर थी, सब बदल गया। मैं आई? जरियार ने इसके आगे अपना हाथ फैलाया। बरीरा ने इस पर अपना नाजुक सा हाथ धर दिया। जरियार ने डायमंड रिंग इसकी मखरूती उंगली की जीनत बनाई। इसके गोरे हाथ में आकर वो मजीद जगमगाने लगी, आप मेरे साथ डेट पर आई हैं, तो क्या डेट पर आकर करने वाले अमल से आपको कोई अतराज तो नहीं? वो धीमे अंदाज में बोला। इसकी आवाज का सहर था या माहौल की फसूखेजी, बरीरा को अपने दिल की धड़कन का शुमार करना नामुमकिन लगा। डेट पर ऐसा क्या होता है जो आपको मेरी इजाज़त लेनी पड़ रही है? वह सवालिया नजरों से देखते हुए पूछने लगी। इधर जरा करीब आइए तो बताऊं। इतनी दूर से आपको समझ भी नहीं आएगा, वो जू मैनी अंदाज में बोलकर इसे सहमा गया। बरीरा को इसकी आंखों में जज्बात का समंदर आबाद नजर आया, वो नजरें चुरा गई। आइए, जरियार की आवाज पर वो हिम्मत किए अपनी जगह से उठी। जरियार के पास आई तो इसने हाथ खींच कर इसे अपनी थाई पर बैठाया। ये क्या कर रहे हैं? वह हिचकचाहट महसूस करते हुए आहिस्ता आवाज में बोली।
जरियार ने टेबल पर फूलों का बुके देखा तो इसमें से एक गुलाब उठाकर बरीरा के गाल पर फेरा। बरीरा को इसकी नरमाई महसूस हुई तो जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। कोई नहीं देखेगा, यहाँ आपके और मेरे सिवा कोई और नहीं, इसके बालों में वही गुलाब लगाकर बोला। जरियार का हाथ अपनी गाल पर महसूस किए इसके रुखसार तमतमाने लगे। वो उठने को ही थी कि जरियार ने इसका दिल का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। दोनों की कुर्बत में इन्हें एक दूसरे की सांसें अपने अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। बरीरा इतनी कुर्बत पर नजरें झुका गई थी। जरियार तो इसके लजाने की अदा पर निसार हुआ। ऊपर से इसकी खमदार पलकें जो इसकी सुर्खी माय रुखसार पर झिलमिला रही थी इन्हें छूने को बेताब हुआ। इसके बरी गुदजार लब इसे अपील कर रहे थे। आज इसे अपना दिल बेकाबू होता हुआ लगा। जाने क्यों दिल सारी हदूद तोड़ने को खवा था। इसने बाद में होने वाले रद्दे अमल की परवाह किए बिना अपने दिल की ख्वाहिश पर अमल कर डाला। इसके लबों को कैद किए अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। इसके अमल में इतनी नरमी थी कि बरीरा को अपना आप किसी फूल की मानद महसूस हुआ जिसे वो ऐसे छू रहा था जैसे अगर जोर से छुआ तो फूल से पत्ती टूट कर गिर ना जाए। वो इसकी शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में जोर से जकड़ गई। एक दिल था जो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। इसकी ये कैसी तशनगी थी जो मिटने का नाम नहीं ले रही थी। जब इसे बरीरा की सांसें रुकती हुई महसूस हुई तो इसने इसे नरमी से छोड़ा। वो इसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। गालों पर गाल टूट कर बिखरा। सालों की तशनगी है, चंद लम्हों में कैसे जाएगी। इसके सहरगुल अल्फाज में इसका दिल यकबारगी से धड़क उठा। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस ऑनर, वो फिर से बोला। वो खुद की गिरफ्त से रहाई दी। वो तेजी से अपनी जगह पर वापस आई। बहुत तड़पाया है आपने। रिसेप्शन के बाद सब सूद समेत वसूल करूंगा, मुझे भूख लगी है। वो जानलेवा मौजू बदलना चाह रही थी। अच्छा चलिए बताएं, क्या खाएंगी। जरियार ने मेन्यू इसकी तरफ बढ़ाकर पूछा। खान हवेली में आज रौनके ही रौनके थी। हर तरफ खुशियों का समा था। इस कई गज पर मबनी महल नुमा हवेली को आज बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियां जगमग कर रही थी। खूबसूरत और नजाब फूल और नफीस पर्दों से सजाया हुआ लॉन आज एक शानदार मंजर पेश कर रहा था। मुलाजमिन हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स और जूस की ट्रे लिए मेहमानों को सर्व कर रहे थे। चंद मेहमान हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स थामे खड़े खुशगोपियों में मसरूफ थे तो चंद मेहमान खुसूसी सोफों पर जमा महवे गुफ्तगू थे। खान साहब भी मेहमानों के साथ अपनी भरपूर शान और शौकत से अपने मखसूस मगरूर अंदाज में महवे गुफ्तगू थे। जरियार खान किसी मेहमान के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यकीनन आज वो बहुत खुश था। स्टेज का मंजर कुछ यूं था कि जिगर खान एक तरफ मोबाइल पकड़े खड़ा हुआ था जो न जाने इसमें से क्या तलाश कर रहा था। जिसने ऑफ वाइट कलर का कीमती और नफीस ब्रांडेड सूट से बेतन किया हुआ था। इसका चेहरा बेतासर था, नीली आंखों में सुर्ख डोरे नुमाया थे। भूरी ब्रीड पर हाथ फेरता वो फोन पर शायद कोई गेम खेल रहा था। किसी को एक आंख न देखना, अपने आप में महव रहना ही इस रियासत के शहजादे को मगरूर बनाता था। वो आज भी हमेशा की तरह हर आंख का मरकज बना हुआ था। कई लोग इसकी पूर्वकार शख्सियत के शहर में खोए हुए थे। स्टेज पर एक तरफ सोफे पर बिस्मा बरजमान थी जो अपने बेटों पर जाने कितनी मर्तबा वारी सदके जा चुकी थी। नजरे बद की दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। दूसरी तरफ स्टेज पर जरशाल और जमारे जिन्होंने एक जैसे रंग के ड्रेसेस का इंतखाब किया था। जरशाल ने ग्रे मैक्सी जिस पर सिल्वर मोतियों का बारीक काम किया गया था वो जेब तन कर रखी थी, जबकि जमारे ने ग्रे कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था। दोनों की हस्ती मुस्कुराती जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। जरियार मेहमानों से मिलकर वापस अपनी जगह पर आया जहाँ बरीरा सजी समरी बैठी थी। जरियार ने इसे पहली बार इतना तैयार देखा था। आज वो खास इसके लिए सजाई गई थी। सुर्ख रंग के बेहद खूबसूरत और कीमती शरारे पर नजाब मोती और कोरे का काम हुआ था। बिलाशुबा वो लिबास अरूसी इसकी कुदरती सुर्ख और सफेद रंगत पर बहुत जच रहा था। ज्वेलरी के नाम पर इसने माथे के एक तरफ झूमर, नाक में नथ जो कि इसके होंठों को छू रही थी, झुमके नेकलेस इसकी सुर्ख और सफेद गर्दन को और खूबसूरत बना रहा था। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी, मगर आज तो दुल्हन बनकर अजब रूप चढ़ा था इस पर कि नजर ही नहीं हट रही थी बरीरा पर से।
बिस्मा ने शेर जमान को संभाला तो जुनाज सबसे आखिर में तैयार हुई थी, क्योंकि शेर जमान इसे तंग कर रहा था। वो अपनी लाइट पिंक कलर की टेल फ्रॉक को संभालती हुई सज धज कर कदम उठाते हुए स्टेज की तरफ आ रही थी। जिगन की नज़र इस पर पड़ी तो पलटना भूल गई। इसे ठीक से याद नहीं पड़ता था कि जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की देखी होगी जितनी आज वो लग रही थी। टेल फ्रॉक में वो बिल्कुल नाजुक सी मोमी गुड़िया दिखाई दे रही थी। ऊपर से बुटीशा ने इसे देखते हुए इसके बालों को हाई बन बनाकर सर पर सिल्वर रंग का मोतियों वाला क्रॉन पहना दिया था। ऐसा लग रहा था अभी मिस वर्ल्ड का ताज पहनकर आई हो। जुनाज ने जिगन की नजरें खुद पर मरकूज पाई तो सर झुका गई। वैसे भी इतने मेहमानों के सामने यूं सज धज कर आना इसे पहले ही कंफ्यूज किए दे रहा था। वो आकर अपनी खाली जगह पर बैठी तो बिस्मा ने जिगन को इसके करीब बैठने का इशारा किया। मेहमानों ने तीनों कपल्स को गिफ्ट्स और विशेस दी। पुरतकल्लफ माहौल में डिनर किया गया। ये रंगारंग तकरीब बिलाखर खुश असलूबी से अपने अंजाम को पहुंची। वो जब अपने कमरे की जानब बढ़ा तो इस वक्त तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे, जबकि हवेली में काफी कमरों की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। बिस्मा शेर जमान को अपने साथ ले गई, जुनाज को समझा बुझा कर वापस जिगन के कमरे में छोड़ गई। इसे सब तफसील से बताकर गई कि डॉक्टर ने क्या कहा है और इसे जिगन को इसकी पिछली जिंदगी याद करवानी होगी, इनके दरमियान बीते हुए पल याद करवाने होंगे। इस पर अपनी जात मसल्लत करो, बताओ इसे कि तुम इसकी बीवी हो। इसने शीशे के सामने खड़ी अपने सर से क्रॉन उतार कर एक तरफ रखा, फिर दुपट्टा उतार कर रखा। अब कानों के मौजूद इयर रिंग्स उतार रही थी कि वो कमरे में आया। जनाज को फिर इसे एक बार कमरे में देखकर इसके चेहरे पर सख्त तासरात नमूदार हुए। स्पार्ट चेहरा लिए अपनी मखसूस चाल चलता हुआ इसके करीब आया। इतनी बेखौफी से तुम फिर मेरे कमरे में आ गई, इस दिन वाला थप्पड़ भूल गया? मैंने कहा था ना कि दोबारा यहाँ मत आना, तुमने मेरी बात को सीरियस ना लेने की जुरत कैसे कर ली? मैं आपकी बीवी हूँ, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जा की मुंतजर हूँ। अल्फाज टूट टूट कर इसके हलक से निकलने लगे। तवज्जा चाहिए तुम्हें मेरी? वह जहराना तेवर से इसकी तरफ बढ़ा। जुनाज डर के मारे रुख फेर गई। मदम रोशनी में वो इसके हसीन सरापे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, पूछ से फ्रॉक का गला काफी डीप था जो दुपट्टे ने कवर कर रखा था, लेकिन अब जब दुपट्टा हट चुका था तो सब साफ दिखाई दे रहा था। इसे याद पड़ रहा था कि इसने पहले कभी जुनाज को इतने गौर से या बगैर दुपट्टे के नहीं देखा था। वो नाजुक सी गुड़िया इसे बहका रही थी। तवज्जा चाहती हो ना मेरी? उसके कान के पास सरगोशी नमा अंदाज में बोला। जुनाज इसके अंदाज पर अंदर से सहम गई। जिगन इसका उड़ा रंग देखकर मतमईन हुआ, इसके बाजू सख्ती से दबोच लिए। इसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि जुनाज को इसकी उंगलियां अपने बाजू में धसती हुई महसूस हो रही थी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, प्लीज दूर रहे मुझसे। वो इसकी आवाज पर सर्दपन महसूस कर चुकी थी कि दूरी अब नामुमकिन है। बकौल तुम्हारे, तुम मेरी बीवी हो और मेरी तवज्जो की मुंतजर हो, ये तवज्जा देना तो बनता है ना। इसे अपनी कमर पर जिगन का सरसराता हुआ हाथ महसूस हुआ तो मानो जान हवा होने लगी। इसे अपने बाजू की गिरफ्त में जकड़ कर वो इसका रुख पलट गया। इसकी बेदाग पुश्त पर अपने दांत गाड़े। सुनाश इसके अमल से सिसक कर रह गई। ये तो इसकी अपनी की गई नेकी थी जो इसके अपने ही गले में पड़ चुकी थी। गले में फंसी हुई हड्डी ना तो उगल पा रही थी ना ही निकल पा रही थी। कमर पर जा बजा निशान बनाने के बाद वो इसकी गर्दन को निशाना बनाए हुए था। जुनाज की दर्द भरी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। आज वो भी बेजबान बनी इसकी आखिरी हद देख रही थी। जुनाज की तरफ से कोई भी मजाहमत ना पाकर वो और भी इश्तलाल अंगेज हुआ। वो तो इसे सबक सिखाना चाहता था मगर वो उफ तक नहीं बोली। इसकी सजा को बढ़ाने के लिए जिगन ने इसके मरमरी लबों को दांतों का निशाना बनाया। वो इसका मजीद वहशाना प्यार बर्दाश्त ना कर सकी और इसे धक्का देते हुए कमरे से निकल गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो आखिर जाए कहाँ इस जालिम इंसान से बचकर। वो टेल फ्रॉक को संभालती हुई ऊपर छत की तरफ भागी। जिगन इसे यूं भागता हुआ देखकर इसके पीछे आया। क्यों, क्या हुआ? अब प्यार करने दो ना, वो तमस्कराना अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, जिससे इसके एक गाल पर पड़ा हुआ डिंपल मजीद गहरा हुआ, जिसकी जुनाज हमेशा से दीवानी थी। आज इसे ये डिंपल भी सख्त जहर लग रहा था। आपका ये रूप देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? वो जोर से चिल्ला कर बोली। वो चलते हुए इसके पास आया। मेरे पास मत आना,
वह लर्जते हुए वजूद से बोली और उल्टे कदम लेने लगी। अब वह छत पर बने हुए टेरेस के दहाने पर खड़ी थी। इसके मजीद पास आने पर जुनाश ने और पीछे होना चाहा। वो टेरेस पहले ही काफी कमजोर था, इसकी मरम्मत होने वाली थी क्योंकि बारिश की वजह से लोहे की ग्रिल जंग आलूद हो चुकी थी। वो काफी खस्ता हाल भी। वो ग्रिल झटके से टूटी और जुनाश टेरेस से नीचे गिरने लगी। इसकी दिल खराश आवाज हवा में बुलंद हुई। तो दोस्तों, यहाँ तक का नावल आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।